रायबरेली उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अस्पताल संचालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अस्पताल संचालिका का पति 2.5 वर्षों से तलाक का मुकदमा झेल रहा था। नर्सिंग होम के साथी संचालक मुस्लिम युवक के साथ उनकी पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में थी। करीब 1.5 वर्षों से महाराजगंज में रह रही थी अस्पताल संचालिका। दरअसल मृतक संचालिका के 2 बच्चे भी हैं। पति ने कोतवाली पुलिस को मुस्लिम युवक के विरुद्ध भी नामजद तहरीर। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित हलौर मार्ग स्थित रीमा नर्सिंग होम का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्य में भी जुट गई है। और 9:30 बजे फोन आया कि आपकी जो सिस्टर है बहुत ज्यादा सीरियस, उनको देख जाओ आके। जब हम लोग वहाँ से पहुंचे, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर डेड बॉडी मिली, और वहाँ के स्टाफ से पता किया गया तो वहाँ बोले कि जब जहाँ पर पेशेंट आया था तो वो डेड था, और वहीं छोड़ के हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से फरार हो गया। क्या लग रहा है आपको? हमको उसी पे शक लग गया है कि उसने या तो फिर कोई पॉइजन देकर मारा है, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी ब्लू हो गई थी, या फिर उन्होंने इलाज कुछ ऐसा। मोहम्मद लिया से इनका क्या कनेक्शन था? पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चलता था, रीमा नर्सिंग होम महाराजगंज। कहीं थाने में तहरीर दी है आपने? साथ की। कौन है ये आपकी? ये मेरी वाइफ है। कब शादी हुई थी? 2009 में हुई थी। क्या हुआ? हमारा रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप था मोहन अलियास से, आदिल से। उन्होंने से पहले अलियास ने पार्टनरशिप किया, फिर उसके बाद उसको गुमराह किया, गुमराह करके पूरा कब्जा अपने में पूरा अपने नाम करवा लिया, गाड़ी घोड़ा सब, और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दिया इसने। तो कैसे पता चला आपको? सूचना कैसे? सूचना मिली हमको, ट्रामा सेंटर से कॉल आई थी कि वहाँ तुम्हारी डेड बॉडी एक लावारिस पे है, इस नाम को वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो डेड बॉडी वहाँ से, हम लोग जब पहुँचे तो हमको डेड बॉडी वहाँ से मिली है। कहीं तहरीर दी, सूचना दी? नहीं, कुछ नहीं सूचना। महाराज वहाँ पीएम हाउस वहाँ ट्रामा सेंटर से आए थे, तो हम लोग महाराज थाने पहुँचे, तो उन लोगों दरोगा ने कहा ऐसो ने कि अब इसको बॉडी को अपना क्रियाक्रम करिया जाएगा, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब FIR लिखेंगे। ऐसा पोस्टमार्टम हुआ? हो गया।